हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक सवाल बड़ा ही कॉमन सा है, बहुत लोग फेस करते होंगे और बहुत लोग पूछते होंगे इधर उधर, शायद अब पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझसे भी अक्सर। हाँ, मतलब अभी भी मेरे चैट बॉक्स में, ईमेल पे इवन और कॉल्स पे आता ही रहता है। सबसे बड़ा ही सवाल, एक कॉमन सा सवाल है कि सर कट ऑफ से मेरा एक नंबर, दो नंबर, चार नंबर, इसी के आसपास कहीं ना कहीं कट ऑफ से हम कम रह जाते हैं, जबकि पिछली बार एक दो नंबर से छूटा, इस बार चार नंबर से छूट गया, क्या करें। और ये सवाल के साथ सॉल्यूशन भी रहता है। सवाल आप लोगों में से किसी का हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग में भी कोई कुछ लोग ऐसा फेस कर सकते हैं। और दूसरा, सॉल्यूशन भी तुरंत आ जाता है उधर से, ऐसा नहीं पूछा जाता कि क्यों हो रहा है ऐसा। तो 100 में मुझे लगता है कि 95 के आसपास जो स्टूडेंट हैं वो कहेंगे कि सर करंट अफेयर्स के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, करंट अफेयर्स के कारण ऐसा हो रहा है, शायद आप लोगों में से भी बहुत लोग ऐसा ही मानते होंगे। कई बार मैंने वीडियो में इसको काटा है कि ये एकमात्र रीजन नहीं है, क्योंकि उनको क्या लगता है एक्चुअली पीछे क्या है, एक्सपीरियंस इसी को कहा जाता है ना। उनको क्या लगता है, स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो नए होते हैं, बिगनर्स होते हैं, समझते समझते टाइम लग जाता है, उनको क्या लगता है ये जो चार सवाल था ना, ये तो हमने पढ़ा था, ये गलत हो गई। ये गलत नहीं होता ना तो पक्का सही होता, इस बार तो पीटी का कट ऑफ क्रॉस कर जाते हैं, कट ऑफ क्रॉस कर जाते हैं। समस्या ही यही है, एक्चुअली समस्या ये है, समस्या है कि हम लोग डर के पास होने की कोशिश करते रहते हैं, लड़के या अड़के नहीं, कहते ना चढ़ के पास करो, तो वो नहीं, स्टार्टिंग से ही कट ऑफ किया जाएगा। मतलब अभी से आप समझ सकते हो, आप सोचिए कि 67 का कट ऑफ किया जाएगा, अगर इस पे मैं अभी वीडियो अपलोड कर दूं ना तो एकदम से चलना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो पूरा फर्जी वीडियो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये वीडियो मैं अगर डालूं तो इसलिए नहीं, इसको लेकर डिमांड आ रहा है, मतलब स्टूडेंट पूछे कि सर 67 का कट ऑफ कितना जाएगा, सर मतलब CDPO का कट ऑफ कितना जाएगा, क्वेश्चन पेपर सेट नहीं हुआ और पहले से ही हमने अपने टारगेट को सेट कर लिया कि 97 से ऊपर नहीं जाएगा, 100 से ऊपर नहीं जाएगा, हमको 100 को हमको पार कर देना है, एकदम सेट है कि हमको 100 पार करना है। जो SC ST OBC के अंदर वो अपनी कैटेगरी सेट करके एक सेट कर लिया कि बस यहां इसको ना किसी तरह से उस पर चले जाना। एक मिनट बताइए जरा, 67 की तैयारी कर रहे हैं, 67 CDPO में तो चलो एक ही पोस्ट है, हटा दो इसको, 67 की तैयारी कर रहे हैं, किसी को SDM चाहिए, किसी को DSP चाहिए, किसी को रजिस्ट्रार चाहिए, अगर इस तरह के पोस्ट चाहिए तो क्या बस उस रस्सी को क्रॉस करने से काम चल जाएगा। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन भी होता है तो क्या आपका टारगेट पूरा हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि वहां पे जब तक आप अच्छा स्कोर करके पास नहीं होंगे तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता, तब तक आप मतलब जो जॉब लोगे उसमें भी खुश नहीं रहोगे। हाँ, अगर टारगेट ही कहीं भैया पैसे कमाने के लिए नौकरी चाहिए तो कोई बात नहीं, वो तो मिल जाएगा। तो दिक्कत यहां पे ये है कि जो आप जो टेम्परामेंट ही लो रख के तैयारी करेंगे तो एक परफेक्ट या एक अच्छी तैयारी कैसे होगी। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब आपको मेंस के अंदर SDM चाहिए, DYSP का पोस्ट चाहिए, तो आपको बहुत बेहतर स्कोर मेंस के अंदर करना है, तो प्रीलिम्स में कट ऑफ को लेकर क्यों पकड़ के बैठ जाते हो। प्रीलिम्स में कट ऑफ पकड़ने की क्या जरूरत है, 130 नंबर आएगा तो कोई दिक्कत, 130 नंबर लेके आ जाएंगे तो कोई दिक्कत है। तो अक्सर है कि सर प्रीलिम्स का तो स्कोर जुड़ता नहीं है, क्या करें। तो प्रीलिम्स में आप बेस्ट कर रहे हो तो नॉलेज क्या, उसके बाद डस्टबिन में चला जाएगा कहीं, तो बताइए। मतलब मैंने कई बार ऐसा वीडियो बनाया तब भी इसी तरह के कॉल्स और इंक्वायरी आ रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि प्रीलिम्स के अंदर आप 100 की जगह 130 नंबर लेके आ रहे हैं तो आपका नॉलेज जो वो 130 एक्स्ट्रा नंबर है वो क्या वेस्ट हो गया, वो मेंस में काम नहीं आना है। पहले बताओ, देखो सोचो कि काम नहीं आना है। तो जब आप मेंस के अंदर अच्छा स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं तो प्रीलिम्स के अंदर अच्छा क्यों नहीं कर रहे हैं। और जिस दिन टारगेट आपका अच्छा स्कोर करने का हो जाएगा, कट ऑफ का तो चर्चा भी नहीं करेंगे आप, कट ऑफ की आप चर्चा भी नहीं करेंगे। और चर्चा जिस दिन बंद कर दिया, प्रीलिम्स पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ये लिख के रख लो। लेकिन जब जैसे ही टारगेट तय करेंगे ना, आपको आपको अभी एक्सपीरियंस आप लोगों के पास, बहुत लोगों के पास नहीं होगा। ऐसे ऐसे धुरंधर खिलाड़ी हैं, ऐसे ऐसे धुरंधर हैं जो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर पेपर देख के ही कट ऑफ सेट कर लेते हैं,
अरे माने आप समझ नहीं सकते हो, ऐसे ऐसे लोग हैं। आप लोगों को तो, आप लोग का एक छोटा सा सर्कल है ना जहां पे आप अपने एक्सपीरियंस से अपने तरह के लोगों से मिलते हैं। मेरे पास तो हर कैटेगरी की चीजें हैं, इसलिए आपके साथ शेयर कर। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं जो हॉल के अंदर पेपर देखा ना, इसके अंदर इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग अप्रोच कर देते। अरे भाई आपके आगे पीछे बैठा हुआ वो कहां पहुंचा देगा उसको, आप समझ रहे हो? मैंने इतना धाकर एक्सपीरियंस रहता है। और यूपीएससी के अंदर तो इसको तो और देखा जाता है क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, तो वहां तो बैठे बैठे, अच्छा ये इतना पेपर टफ है ना, यहां तो 55 से ऊपर नहीं जाता, वो क्या करेंगे 60 तक अटेम्प्ट लेके छोड़ देंगे। पता चला और निगेटिव में गया, कट ऑफ ही जा रहा है 60 के आसपास। समझ में आ रहा है? तो ये एटीट्यूड है, इस एटीट्यूड को बदलना होगा। हमें जिस तरह से मेंस में बेस्ट करना है, यहां भी करना है। सवाल उठता है कि कैसे करें। ये तो हो गई थ्योरी पोर्शन, जिसको हमको इंप्रूव करना है, स्ट्रैटजी जिसको करना है, और ये स्ट्रैटजी ही अहम होता है। जैसे ही आप कट ऑफ को छोड़ देंगे, अपने परफॉर्मेंस अपने आपका अपने आप बढ़ जाएगा। अब एक गलतफहमी और दूर कर लीजिए कि करंट अफेयर्स के कारण आप फेल कर रहे हैं। करंट अफेयर्स के अंदर 35 क्वेश्चन आता है मैक्सिमम, हम मान लेते हैं 35 क्वेश्चन आया, उसके अंदर क्या ऐसा है 35 है और 35 आप करंट अफेयर्स, पूरा 150 सवाल है ना, तो 35 करंट अफेयर्स के हटा दें तो 115 सवाल तब भी बचता है ना। 115 सवाल में 10 सवाल मैथ का हटा दीजिए, जिसके अंदर तुक्का भी एक ऑप्शन को लेके मारोगे तो 3 सवाल आपका कहीं नहीं गया, 3 तो आपका आएगा ही आएगा, तो हो गया। अब अगर इसको हटा देते हैं आपके पास, तब भी सब हटा देते हैं तो 105 मैथ का भी छोड़ दीजिए, 105 प्योर सवाल बचता है जो कन्वेंशनल पोर्शन से है, जो एकदम से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड एनवायरमेंट, इन सबको मिला के क्वेश्चन बन रहा है, जहां पे करंट का कुछ नहीं है, मैथ्स का कुछ नहीं है, ठीक है। अब 105 सवाल, इस 105 सवाल पे अगर आपने मेहनत कर दिया, 105 जो सवाल का नंबर है, इस पे मेहनत कर दिया, और मैथ का 3 सवाल आपको तो बिना बनाए बन जाना है, और अब आराम से सोचिए कि करंट अफेयर्स के अंदर आपका बहुत बुरा करंट अफेयर्स, किसी का भी जो करंट अफेयर्स को ब्लेम करते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन सब सही करते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो 15-20 क्वेश्चन सही नहीं करता हो, 15 तो कहीं नहीं गया। 35 में आंख बंद करके एक ऑप्शन भी हिट करेंगे ना तो 10 क्वेश्चन आपका सही लगभग हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कहने का कि आप 15 क्वेश्चन तो वैसे ही कर रहे हो, 20 तक मैक्सिमम, 35 में 20 तक क्वेश्चन हो जाता है, 20 करने के बाद आप उसको ब्लेम कर रहे हैं करंट अफेयर्स को। इधर आपके पास टोटल 105 क्वेश्चन है, 3 तो आपका मैथ से निकल गया, तो 23 तो वैसे ही हो गया। अब 23 वैसे हो गया, अब 105 में आप कितना लेके आ रहे हैं, आप एक बार सोचिए, 105 में आप कितना लेके आ रहे हैं, 23 उधर निकल गया, इधर आप अगर 75 कर लेते तो आपका कितना स्कोर बनता है, मैं एकदम मिनिमम लेके चल रहा हूं। आप अगर 30 क्वेश्चन 105 में छोड़ रहे हो, 70 कर रहे हैं तब भी आपका कितना बन, 75 कर रहे हैं तब आपका कितना बनता है, एक बार देख लीजिए, आपके कट ऑफ पे नहीं आ रहे हैं, एकदम आ रहे हैं। यानी ये जो 105 सवाल भी बना है ना, इस पे पकड़ कम है, इसमें गलतियां हो रही है, इसकी गलतियां जिस दिन दूर हो जाएगी, करंट अफेयर्स के कारण एक भी बच्चा फेल नहीं करेगा। जितने ये भ्रम है इसको दूर कर लीजिए, ये आपको, आप भी इस चक्कर में फंस जाते हैं और एक माहौल बना दिया जाता है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स इतना मुश्किल नहीं है कि करंट अफेयर्स के कारण कोई बच्चा फेल कर जाए, एक्चुअली आपको भी एहसास हो जाता है और आसपास वाले भी एहसास करवा देते हैं कि थोड़ा सा डर जाइए, मेरी कोचिंग चले कि नहीं चले हमको इससे नहीं मतलब है, जो रियलिटी, जो रियल फैक्ट है वो आपके सामने मैं लाता रहूंगा, ठीक है। तो इस भ्रम को दूर कर लीजिए पहले। तो करंट अफेयर्स नहीं हुआ, करंट अफेयर्स नहीं हुआ, अरे नहीं हुआ नहीं हुआ, बिना करंट अफेयर्स की भी दुनिया है, बिना करंट अफेयर्स की भी आप पास हो सकते हैं। तो इन सब जो भी इस तरह के र्यूमर्स है जो इसमें जी रहे हैं, इसको तो सबसे पहले निकाल के फेंक दीजिए। कट ऑफ को देखना नहीं है, आपको बेस्ट परफॉर्मेंस करना है, कट ऑफ तो वैसे ही निकल जाओगे, कट ऑफ तो वैसे ही आपका क्रॉस कर जाएगा, सोचना ही नहीं उधर। तो ये एकदम से एटीट्यूड बदलिए, एटीट्यूड बदलेंगे रिजल्ट बदलेगा। ये वीडियोस इसीलिए बनाया गया है, अधिकांश लोगों की शिकायत और सॉल्यूशन दोनों है तब भी गड़बड़ हो जाता है। तो सही चीज को पकड़ो, सही जैसे ही पकड़ोगे चीजें स्मूथ हो जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर।